आपको लगता है ये हारने के वजह से लग रही है? एक बात बोलिए, उनकी तरफ से जो आता है, जो उनको स्टेटमेंट देने हैं देने दीजिए, हमें उसका जवाब नहीं। उनके पास कायदा है और आदिल तो जेल में, तो किसे धमकी दी? उनके वकील को दी क्या? और उनके वकील इतने दिन नहीं दी धमकी, आज उनकी मॉम को धमकी जा रही है। मेरा तो, मैं फोन करती हूँ, उनके मम्मी डैडी फोन ही नहीं उठाते, काट देते, बात नहीं करना चाहते। मैं एक बार मुझसे बात तो करे कि वो कहे तो सही कि आपका बेटा 7-8 दिन से जेल में, आप लोग मिलने भी नहीं आए हो उनको। दूसरी बात, राखी को अगर धमकी देनी होती है, दिलवानी होती है, तो आज कोर्ट के धक्के जो खा रही है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट के धक्के खा रही है ना, वो नहीं खाती। और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम यही सब करते हैं। आज जो कल सेशंस कोर्ट ने ये कोर्ट की जुडिशियल कस्टडी से अब पुलिस कस्टडी देने के लिए बुला रहे, तो आज आदिल खान दुरानी को 8 करोड़ जेल से वापस लाया जाएगा, रिमांड में पेश किया जाएगा और आगे फिर कोर्ट क्या करते हैं वो अभी हमें पता नहीं। आपकी तरफ से कुछ हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ दे चुके हैं, हम खाली कोर्ट में यही रिक्वेस्ट करेंगे और सरकारी वकील भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको पुलिस कस्टडी ज्यादा से ज्यादा दिन दी जाए। आज मैसूर पुलिस का क्या रोल रहने वाला है? वो यहीं पे खड़े हैं, मैसूर पुलिस, उनको बुला लीजिए। मैसूर पुलिस एप्लीकेशन करेगी क्योंकि उनको पुलिस कस्टडी चाहिए। अब वो कोर्ट, मैसूर पुलिस यहाँ पे एक हफ्ते से है, कोर्ट पे डिपेंड करता है कि किसे कस्टडी देते हैं। अब कोर्ट पे डिपेंड करता है, जैसे फाल्गुनी ने कहा कि होशियारा पुलिस स्टेशन या मैसूर पुलिस, अभी देखते हैं क्या होता है। मैसूर पुलिस का कुछ बयान आ रहा है, वो खड़े हैं उधर, बुलाइए ना अरे बाद में सब पता चलेगा। मैं भी तो अभी कोर्ट में आई हूँ। एक्सटॉर्शन का कुछ आज कुछ बयान आज होने वाला है? कोई नया केस नहीं, हम कोर्ट में बोलेंगे, अभी कुछ बोल के मतलब नहीं है। जो भी केस है हमारी FIR है, फर्दर स्टेटमेंट में वही हमारी केस है। जज ने छुट्टी मारी। उनकी वकील की तरफ से ये सारे बयान आए थे कि धमकी वाले कॉल आ रहे, धमकी दी जा रही है, उसको देखिए आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत जोर से हंसी आ रही है मुझे, मैं भी एक वकील हूँ। अगर उनके वकील ये कह रहे हैं तो केस जीतने का ये तरीका नहीं है। आप लीगली जाओ और अच्छी तरीके से प्रिंसिपली काम करो। मॉरल और प्रोफेशनल एथिक्स कुछ होते हैं। अगर आपके हाथ से बाजी निकल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। धमकी देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, और क्यों देंगे धमकी जब हमें कोर्ट से जस्टिस मिल रहा है, कोर्ट में हम मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट से हमें सारी चीज़ें, हम लीगली जा रहे हैं, तो हमें इलीगल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब पैतरे हैं ना, हारने वालों के होते हैं, जीतने वाले कोर्ट में जवाब देते हैं। बिल्कुल, मेरे एडवोकेट ने कहा नहीं, ये सब चीज़ें पे हम लोग बात नहीं, जो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकते, वो होशियारा पुलिस, मेरी एडवोकेट अशोक सौरोगी जी और कोर्ट काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है इनके एडवोकेट पे, आदिल के कैसे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये हारने के वजह से लग रही है? एक बात, उनकी तरफ से जो आता है, जो उनको स्टेटमेंट देने दीजिए, हमें उसका जवाब नहीं। उनके पास कायदा है और आदिल तो जेल में, तो किसे धमकी दी? उनके वकील को दी क्या? और उनके वकील इतने दिन नहीं दी धमकी, आज उनकी मॉम को धमकी जा रही है। मेरा तो, मैं फोन करती हूँ, उनके मम्मी डैडी फोन ही नहीं उठाते, काट देते, बात नहीं करना चाहते। मैं एक बार मुझसे बात तो करे कि वो कहे तो सही कि आपका बेटा 7-8 दिन से जेल में, आप लोग मिलने भी नहीं आए हो उनको। दूसरी बात, राखी को अगर धमकी देनी होती है, दिलवानी होती है, तो आज कोर्ट के धक्के जो खा रही है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट के धक्के खा रही है ना, वो नहीं खाती। और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम यही सब करते।